क्या आप सोच सकते हैं कि महिंद्रा ने सबसे छोटा टिपर निकाला है फ्यूरियो में? जी हाँ बिल्कुल, उसका हम फुल रिव्यू करने वाले हैं। क्या उसमें यहाँ पर डिटेल्स है, क्या स्पेसिफिकेशंस है और कहाँ पर ये गाड़ी ज़्यादातर बेसिकली चलने वाली है, तो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गिल ट्रक बॉडी समान पर। महिंद्रा फ्यूरियो 7, जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग में ये गाड़ी थी। पहले जो महिंद्रा फ्यूरियो आते थे तो थोड़ा सा साइज़ में भी यहाँ पर बड़ा था, उसके बाद यहाँ पर जो अभी जो गाड़ी यहाँ पर निकाली है वो गाड़ी यहाँ पर कॉम्पैक्ट साइज़ में, मां के चलिए अभी तंग गलियों में, तंग रास्तों में, जहाँ पर महिंद्रा का बड़ा ब्लेजो टिपर ट्रक नहीं जा सकता, वहाँ पर ये महिंद्रा की फ्यूरियो गाड़ी है वो आराम से इजीली चली जाएगी और बिना किसी दिक्कत और बिना किसी परेशानी के साथ। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी ये गाड़ी बना दिया। अगर हम गाड़ी के यहाँ पर पावर की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल्स गाड़ी की यहाँ पर देने वाला हूँ। गाड़ी में यहाँ पर पावर की बात करें तो गाड़ी में यहाँ पर आपको इंजन जो मिलता है MGI टेक का यहाँ पर इंजन मिल रहा है, वो जो आपको कैपेसिटी देता है 3.5 लीटर की BS6 की यहाँ पर कैपेसिटी यहाँ पर आपको दे रहा है। और यहीं पर बात करें हम गाड़ी में यहाँ पर पावर की, मैक्सिमम पावर जो आपको यहाँ पर गाड़ी दे रही है वो 91.5 किलोवाट की यहाँ पर पावर आपको यहाँ पर दे 2500 RPM पर। और यहीं पर हम बात करें गाड़ी में यहाँ पर टॉर्क की, तो 375 न्यूटन मीटर की गाड़ी में यहाँ पर आपको टॉर्क मिल जा रही है। और सामने जो गाड़ी में यहाँ पर ग्रिल है वो बहुत ही बेहतरीन है, अलग से यहाँ पर ग्रिल बनाई हुई है, बोल्ड लुक गाड़ी में यहाँ पर दी है, डबल हेलोजन बल्ब के साथ डबल हेडलाइट्स यहाँ पर आपको मिलने वाली, इंडिकेटर भी साथ में है और स्मोकी यहाँ पर हेडलाइट्स बनाई है, कलर बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, दूसरी गाड़ी यह पहचानी जाती है। सामने वो विंड स्क्रीन है, विजिबिलिटी एरिया बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और मांग के लिए अगर आप मांग के लिए पहाड़ी रास्तों पर आए तो पहाड़ी रास्तों पर भी ये गाड़ी आसानी से यहाँ पर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर गाड़ी में यहाँ पर आने वाली। यहीं पर देखते हो सामने, अगर मांग के लिए फुली ऑन स्पीड पर ये गाड़ी जा रही है तो विंड को यहाँ पर चीरते हुए गाड़ी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखते हो नैरो यहाँ पर साइड्स पर यहाँ पर बम्पर्स पर निकाले हुए हैं और फ्रंट बम्पर में यहाँ पर फॉग लाइट्स के साथ में यहाँ पर देख सकते हो आप, फुट स्टेप भी यहाँ पर साथ में दिए हुए हैं। और यहीं पर हम बात कर रहे थे गाड़ी में यहाँ पर टायर्स की, इस गाड़ी में यहाँ पर 7.5x16 के यहाँ पर टायर्स आ रहे हैं, MF के यहाँ पर टायर्स आ रहे हैं और 4 टायर्स पीछे हैं और आगे 2 टायर्स हैं मां के लिए, टोटल 7 टायर्स यहाँ पर आपको मिल जा रहे हैं और स्पेयर टायर के साथ में। और यहीं पर बात कर लेते हैं हम गाड़ी के यहाँ पर साइड कैबिन, साइड कैबिन में आप सिंगल डोर साइड कैबिन यहाँ पर दिया हुआ है और यहीं पर जो एयर कंडीशनर का अटैच है वो यहाँ पर ऊपर उड़ाया हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा फायदा है। कई बार क्या होता है जो हिली एरियाज हैं या यहाँ पर छोटे जो बड़े शहर हैं यहाँ पर स्पेस कम होती है तो पानी भर जाता है वहाँ पर, तो धूल मिट्टी भी नहीं आएगी और पानी भी नहीं यहाँ पर आपको अंदर एयर कंडीनर में जाएगा। तो यहीं पर हम इंटीरियर अगर एक बार यहाँ पर आपको मैं खोल को यहाँ पर गाड़ी का यहाँ पर चेक करवाता हूँ तो सबसे बढ़िया बात है जो गाड़ी में इंग्रेस है, इंग्रेस बहुत ही ज़्यादा बेटर है गाड़ी में। जो गाड़ी के डैशबोर्ड की अंदर बात करें तो यहाँ पर जो ग्रेइश कलर का यहाँ पर डैशबोर्ड दिया हुआ है और मांग के लिए विजिबिलिटी एरिया लाजवाब विजिबिलिटी एरिया। यहाँ पर मैं आपको गाड़ी में यहाँ पर चला कर दिखाता हूँ, वाइपर्स भी यहाँ पर सामने लगे हुए हैं, 2 वाइपर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और प्लस यहाँ पर देख सकते हो आप वाइपर्स कंट्रोल्स, प्लस यहाँ पर देख सकते हो आप पूरे मिरर की यहाँ पर अच्छी विजिबिलिटी आपको मिलेगी और यहाँ पर देखो सनवाइज़र भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहीं पर बात करें हम गाड़ी में यहाँ पर आगे हमको क्या क्या देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो आपको डिफरेंशियल लॉक भी आपको यहाँ पर गाड़ी में यहाँ पर मिल रहा है। और यहीं पर बात करें ऑल इंडिकेटर हेडलाइट स्विच दिया हुआ है, DPF के स्विच दिया है, लोड एम्प्टी है या का लोडेड है गाड़ी उसके स्विच दिए हैं ताकि फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी में यहाँ पर ज़्यादा बेटर हो। और यहाँ पर देखो ब्लोअर की यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आपको गाड़ी में यहाँ पर दी हुई है। यहीं पर बात करें महिंद्रा में सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पर देखते हो अगर गाड़ी न्यूट्रल है तो यहाँ पर न्यूट्रल का साइन आ रहा है गाड़ी में, एवरेज स्पीड और ट्रिप आवर्स यहाँ पर गाड़ी में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, RPM मीटर प्लस यहाँ पर किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ब्लोअर्स के लिए यहाँ पर वेंट्स भी दिए हुए हैं, तो AC के लिए यहाँ पर वेंट्स आपको मांग के लिए जो ब्लोअर है उसके लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और यहीं पर बात करें हम छोटा ग्लोव बॉक्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा ताकि आप स्पेस में यहाँ पर गाड़ी में कोई सामान वगैरह पेपर वगैरह रख सकते हो। और जो कंफर्टेबिलिटी है कैबिन में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल सोचा गया है, हैंड रेस्ट दोनों ही साइड यहाँ पर आर्म रेस्ट दी हुई है और यहाँ पर देते हो हैंड छोटी आर्म के लिए चाहे बड़ी आर्म के लिए दोनों साइड के लिए, और एडवाइजरी यहाँ पर दी हुई है, आसानी से आप शीशे अप एंड डाउन कर सकते हो, हैंडल्स दिए हुए हैं। और यहाँ पर देते हो जो कैबिन है वो गाड़ी का ऐसा नहीं है भी सिंगल कैबिन है, वो खुला डुला कैबिन है, बहुत ही खुला डुला कैबिन है।
यहाँ पर एम्पल स्पेस है और सीट्स काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर देखते हो हैंड ब्रेक, यहाँ पर हैंड ब्रेक भी यहाँ पर आपको मिलेगी। अगर आपने मांगे चलिए टिप्पर उठाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगी। और यहीं पर बात करें हम गाड़ी में यहाँ पर गियर बॉक्स की, तो इस गाड़ी में यहाँ पर जो ट्रांसमिशन आ रही है वो 5 स्पीड का गियर बॉक्स यहाँ पर आपको मिल रहा है और एक रिवर्स गियर भी आपको यहाँ पर साथ में मिल रहा है। तो इस गाड़ी में जो वेरिएंट है ये गाड़ी का CVC फुली बिल्ट टिप्पर वेरिएंट आपको यहाँ पर मिलता है। जो कैबिन है वो गाड़ी का पूरा ही कैबिन है, वो पूरा टिल्टेबल हो जाता है। मांग चलिए 1.85 मीटर यहाँ पर गाड़ी का जो कैबिन है वो पूरी तरह से टिल्ट हो जाता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गाड़ी में जो ABC एक्सेसरी आ रही है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऑर्गेनिक यहाँ पर क्लच यहाँ पर दिया हुआ है और ABC पैडल्स यहाँ पर दे दो पूरी रीच में है और वॉक थ्रू कैबिन है यहाँ पर दे दो पूरी, आप अंदर बाहर दोनों साइड यहाँ पर आप आ जा सकते हैं, कोई आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली। पूरा ही कैबिन है वो टिल्ट हो जाता है और टिल्ट जो होता है कैबिन वो यहाँ पर टोटली ड्राइवर कंडक्टर साइड से यहाँ पर पूरा टिल्ट हो जाता है। टिल्टिंग की यहाँ पर सेफ्टी पॉइंट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर एक ही झटके से यहाँ पर गाड़ी का जो कैबिन है वो पूरा टिल्ट हो जाता है। 12 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी आपको गाड़ी में यहाँ पर मिलेगी। स्टॉपर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। चेसिस बहुत ही ज़्यादा हैवी यहाँ पर दी हुई है। प्लस यहाँ पर मेन बात है पीछे यहाँ पर देते हो यूनिवर्सल शाफ्ट बहुत ही हैवी है। सस्पेंशन की बात करें तो पीछे में जो सस्पेंशन है वो यहाँ पर रिज सस्पेंशन है, पूरा ही यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है। प्लस यह मांगे चलिए जो अपना हाइवा का जो मांगे चलिए सिलेंडर है वो हैवी है, उसका जो पॉइंट है ग्रीस ऑयलिंग का तो वो सेंटर में दे दिया है क्योंकि स्पेस कम है। क्योंकि ये गाड़ी की यहाँ पर मांगे सबसे ज़्यादा मेन बात है कि ये गाड़ी तंग रास्तों पर भी जाने वाली है। और टायर साइज़ की बात तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जो गाड़ी में यहाँ पर टायर साइज आ रहा है इस गाड़ी में यहाँ पर देख सकते हो जो लगे हुए हैं वो MRF के टायर साइज़ हैं 7.5016 PR के यहाँ पर आपको टायर साइज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लोड बॉडी की बात करें तो यहाँ पर टिप्पर की तो यहाँ पर तो हैवी टिप्पर यहाँ पर बनाया। और बढ़िया बात पता क्या है, 3-साइडेड ये ओपनेबल होता है, यहाँ से भी खुल जाएगा, उस साइड से भी खुल जाएगा और यहाँ पर पीछे से भी खुल जाएगा। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने ये सामान लगाया है तो आप साइड से भी उतार सकते हो, दूसरी साइड से और पीछे से भी। मांग चलिए आपको ऐसी नहीं है गाड़ी घुमाकर बार बार लगानी पड़ेगी, आपने एक बार गाड़ी लगाई और बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर लगा ली तो उसके बाद अपने हिसाब से आप गाड़ी में जो सामान है वो उतरवा सकते हो। और अंदर के अगर मैं अंदर की अगर बिल्ट क्वालिटी की बात करूँ तो लाजवाब बिल्ट क्वालिटी अंदर में यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर महिंद्रा की तरफ से यहाँ पर मिल जाएगी। पीछे जो हेडलाइट्स है वो हैलोजन बल्ब के साथ यहाँ पर बैकलाइट्स यहाँ पर पिक करें। इस गाड़ी का प्राइस आप महिंद्रा के ऑफिशियल साइट्स पर चेक कर सकते हो और वहाँ पर जाकर आप विजिट भी कर सकते हो शोरूम पर। गाड़ी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।